में जुटे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दरअसल आज बिरला सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम गहलोत की अगुवाई में यह कार्यक्रम होगा। विभिन्न विषय विशेषज्ञों, स्टूडेंट्स, युवाओं से संवाद होगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी संवाद होगा। मुख्यमंत्री ने अपील की सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों से, एनजीओ व सभी धार्मिक संस्थाओं से अपील की गई। प्रवासी राजस्थानियों व समस्त प्रदेशवासियों से अपील है, मिशन 2030 की रूपरेखा बनाने के लिए सुझाव की अपील की गई है, सुझाव मांगे गए हैं और उसी के तहत ये बेहद खास कार्यक्रम। उदयपुर में थे, प्रवास पर थे, उदयपुर के प्रवास पर दो दिन बेहद खास कार्यक्रम था, यानी कि नोवा सीपीए भारतवर्ष महासम्मेलन। उस महामंथन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। अभी कुछ देर पहले उदयपुर ताज अरावली होटल से डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं मुखिया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई क्योंकि वापस जयपुर आना है और जयपुर आके एक खास कार्यक्रम जिसके तहत ये भी कार्यक्रम है और मिशन 2030 का ये बेहद खास कार्यक्रम रहेगा। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, जहां एक तरफ चुनौती बनी हुई है 2023 विधानसभा चुनाव की, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उसी को लेकर अभी स्थिति बनी हुई है, महामंथन चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, लेकिन एक तरफ तो यहां पर मिशन 2030 भी रख लिया गया है, इस पर भी अब हलचले तेज हो गई है क्योंकि सुझाव मांगे गए हैं, यानी कि जो बात मुखिया कहती है कि सरकार फिर से रिपीट होगी, ये विश्वास यहां झलकता है। देखिए पूनम, कोई भी राजनेता होता है उसके पहला जो प्राथमिकता होती है वो चुनाव जीतना तो होता ही है, जो 2023 की आपने बात की है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उन्होंने प्रदेश किस तरह विकसित हो उसको एक मिशन बनाया है। सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कब बनेगा, ये भविष्य की बात है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं, लेकिन राजस्थान कैसा हो भविष्य का, राजस्थान का विकास कैसा हो, राजस्थान के प्रति यहाँ के राजनेताओं की, यहाँ की जनताओं की सोच क्या है कि वो 2030 के राजस्थान किस तरह का देखना चाहते हो, और एक नई सोच, एक नई सुबह के स्लोगन के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और क्योंकि देखिए 2030 में वो किसकी सरकार होगी, कौन जो है मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन भविष्य के राजस्थान के बारे में सोचना अभी से जरूरी है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से इस कार्यक्रम की शुभारंभ कर रहे हैं। बिरला सभागार में 12 बजे से कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि राजस्थान अगले 7 साल में प्रगति की जो गति है वो 10 गुना ज्यादा हो। और इसी कारण उन्होंने विभिन्न जो विषय विशेषज्ञ है, स्टूडेंट है, यूथ है, महिला है, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी है, मजदूर संगठन है, विभिन्न एनजीओ है, विभिन्न धार्मिक संस्थान से जुड़े जो महंत संत है, साथ में प्रवासी राजस्थानी और समस्त देशवासी, उनसे मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वे सुझाव दें, सलाह दें और साथ में सहयोग भी करें, जिसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट तैयार हो राजस्थान मिशन 2030 का, और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, उस रूपरेखा के आधार पर राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखी जा सके। क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें किस तरह की चुनौतियां होगी, किस तरह का राजस्थान लोग देखना चाहते हैं, उस पर काम अभी से करना होगा। तो इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी पूनम महत्वपूर्ण मीटिंग अपने प्रमुख अफसरों के लिए थी और अब वो जनता के बीच जो एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अगले 2 महीने तक प्रदेश के विभिन्न जो मैंने जैसे कहा, चाहे विषय विशेषज्ञ हो, स्टूडेंट है, युवा है, महिला है, कर्मचारी है, आमजन है, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, उनसे राय मांगी जाएंगी, उनसे सलाह मांगी जाएगी कि राजस्थान किस तरह का हो, किस तरह सरकार को काम करना है, किस तरह से विभिन्न एजेंसियों को काम करना है, क्या क्या राजस्थान में होना चाहिए, किस तरह का राजस्थान देखना चाहते हैं। तो इसी मिशन 2030 को लेके आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अगले 2 महीने तक पूरे प्रदेश में इस तरह के अभियान चलेंगे, विभिन्न कार्यक्रम होंगे जिसमें जनता से राय ली जाएंगी और तभी 2030 का राजस्थान है उसकी एक रूपरेखा तैयार हो पाए। जैसे कि आपने कहा कि सुझाव जो मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या तरीका रहेगा, कब तक ये सबमिशन करना होगा? देखिए पूनम, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 महीने तक कार्यक्रम चलाया जाएगा, मिशन 2030, तो इसमें चूंकि जैसे सेमिनार है, विभिन्न अन्य कार्यक्रम है, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रम है, सरकार के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जगह जगह होंगे, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे जो परफॉर्मर बनाने के माध्यम से हो, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न सेमिनार विभिन्न स्कूल कॉलेज या सार्वजनिक स्थानों पर हो,
इस तरह के कार्यक्रम रखे जाएंगे, जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और कोई भी किसी भी तरह से सुझाव दे सकता है। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वेबसाइट के माध्यम से, चाहे SMS के माध्यम से, चाहे पत्र लिखकर, तो ऐसे विभिन्न जो सुझाव है वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो खासकर, चाहे युवा हो, महिला हो, जो कि एक स्टेक होल्डर है, उन सभी से ये सुझाव मांगे जाएंगे और उन सुझाव के आधार पर फिर ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश इस जानकारी के लिए।